कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग इट। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। अब जी ढेर सारे व्लॉग्स है ना, मतलब बैक टू बैक आते जा रहे हैं और आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स बहुत ही मज़े के और बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। सो आज का व्लॉग है जी हमारा एनिवर्सरी के ऊपर। आज है जी हमारी एनिवर्सरी। सो हमारा कुछ मतलब पिछले आज हमारी शादी के ना 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। हम जो है ना 2 सालों से किस तरह से जो है ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। हम 21st को ना 22nd को हमारी एनिवर्सरी होती है शादी की। 21st और मेहंदी वाली एनिवर्सरी होती है ना, हम उसी दिन मैं कभी मैं शहजाद को जो है ना सरप्राइज़ अपनी कभी शहजाद में देते हैं। तो इस बार हम दोनों ने मिल के कुछ डिफरेंट सा प्लान किया क्योंकि अभी हमारे पास एक छोटा सा बच्चा भी है। सो हमें उसको भी देखना है उसके साथ। फिर पहले जैसा हिसाब किताब तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा सब कुछ चेंज होगा ही ऑब्वियस सी बात है। सो अभी सीन ये है कि हम लोग अभी जो है ना अलारा को उसकी नानों के घर छोड़ के आए हैं ताकि वो उसकी टेक केयर करें और फिर हम जो हैं मैं अपना रूम डेकोर कर सकूं और जो भी सारे प्लान्स हैं हमें बाहर भी खाने पीने जाना है या जो भी प्लान है वो जो कुछ भी है वो फिर हम इजीली कर सकें। क्योंकि अलारा के साथ अलारा को जो है ना फुल टाइम ड्यूटी चाहिए होती है उसको टेक केयर करने के लिए और वो फिर कब सोती है कब रोती है कब उठती है कब खाती है कब पीती है उस चक्कर में ना मतलब हम कुछ नहीं कर सकते फिर। तो फिर मैंने कहा अपनी अम्मा से हेल्प मांगी है तो उनको जो है मैं अलारा को हम अभी जस्ट दे के आए हैं। उसके बाद मैं बाज़ार गई, बाज़ार से मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी, बैलून्स लिए, अल्फाबेटिकल बैलून्स लिए, जो जो भी चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और बस अभी जो है ना अभी जस्ट खाना खाया है और अभी क्या टाइम हो रहा है अभी आई थिंक 5 बज रहे हैं सुबह से जो है ना मतलब 12 बजे से हम निकले हैं, 5 बज गए हैं। पहले अलारा को छोड़ा, वापस आए, बाज़ार गए, फिर दूसरे बाज़ार गए, फिर मैंने अपना ड्रेस जो है वो लेना था, मतलब ये सब कुछ जो है ना हुआ है। तो मैं आपको अभी ड्रेस भी जो है ना दिखाती हूँ कि मेरा कौन सा ड्रेस है और मैं क्या क्या लेके आई वो भी सब दिखाती हूँ। और फिर आगे सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, रूम डेकोर कर लूँगी वो भी दिखाऊँगी, फिर हम कहाँ जाएँगे क्या 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 करेंगे वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और बस इससे पहले कि मैं आगे चलूँ आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम अगले हिस्से पे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। एनिवर्सरी वाले दिन के क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गए थे सो मैंने ये छोटा सा बूमरैंग यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये भी 4-5 दिन बाद का है। खैर उसके बाद जी इस तरह से जी मेरी फाइनल लुक है। ये भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ इसको कंपाइल करके आपको दिखा रही ये फाइनल लुक थी। हम जी निकल आए हैं घर से और रास्ते में जो है रास्ते बोल रही हूँ घर से निकलते वक्त मैं क्लिप नहीं बना सकी, बता नहीं सकी आप लोगों को कि जी मैं तैयार हो गई हूँ। बस ये येलो लाइट गाड़ी की येलो लाइट पे जो है ना आप लोग मुझे देख लें, बाकी जो है ना वो क्लिप्स वगैरह वो मैं बिल्कुल व्लॉग के एंड पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से मुझे देख लीजिएगा और पिक्चर्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूँगी तो वहाँ जाके आप लोग पूरी कम्प्लीट लुक देख सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मैं लेट इस सूरत में हुई कि क्योंकि पहले लारा को छोड़ने गए फिर उसको हम वापस आए हैं, वहाँ से बाज़ार चले गए, बाज़ार से मैं घर आई सारी चीज़ें वगैरह लेके फिर डेकोरेशन की, खाना खाया, वो करके जो है ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मुझे बाल भी अपने जो है ना वो सेट करने थे, तैयार होना था, कपड़े प्रेस करने थे, ये सब कुछ करते 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 ना बहुत लेट हो गया। सब हम फटाफट से जो ना अभी तक हमने कुछ नहीं खाया रात में, मीन कि हमने पहले खाना खाने जाना था किसी रेस्टोरेंट में और फिर जो है ना क्या कहते हैं पहले मैंने सोचा था कि मैंने शहजाद से पूछा कि आज मैं ट्रीट दूँगी, आज जो कहोगे ना आप हम वो खाएंगे। तो शहजाद को ना बट कड़ा ही बहुत पसंद है तो हमारा पहले प्लान बना बट कड़ा ही जाने का। फिर जो है मैंने कहा कि मतलब मेरा ना मटन नहीं खाने को दिल कर रहा था, शहजाद को ऑब्वियसली उनको पसंद था तो वो कहते रहे वैसे। फिर हमने कहा कि ना बट कड़ाई का ना कहीं एक आधे दिन के बाद प्लान रख लेते हैं, वो ट्रीट मेरी है तो आज फिलहाल जो है ना क्योंकि हम लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मैं थक भी गई थी और फिर मतलब यू नो छोटी छोटी चीज़ें करते 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 ना फिर सारा मैस क्लियर करते करते भी बहुत टाइम लग गया, इसलिए फिर अब हमने प्लान किया कि फिर फटाफट चलते हैं कुछ मैकडॉनल्ड से फटाफट से लेते हैं, लेने मूवी देखने जाते क्योंकि मूवी हमने लाजमी आज देखनी है। और आज की ट्रीट जो है वो मेरे पर पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह कल या परसों और या 2-3 दिन बाद मीन्स इसी वीक के अंदर मैं शायद कुछ नहीं ये वाला ट्रीट लाजमी दे दूँगी। सब तक के लिए फ़िलहाल बस यही सीन चल रहा है, बाकी रास्ते में है पहुँचती हूँ और फिर आपको सारा कुछ शेयर करती हूँ कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। अब घर से तो हम निकल आए और फिर टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें किस रेस्टोरेंट में बैठे क्योंकि अगर किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे तो कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं हमारा ऑर्डर आने में और फिर हमारे पास टोटली सिर्फ 40 मिनट थे तो हम फिर किस तरह से मैनेज करते, रास्ते में भी टाइम लगना था तो हमने सोचा कि हम फटाफट से जो है ना गुलबर्ग चलते हैं क्योंकि वहीं पर हमने सिनेमा जाना है और उसी के पास से हम मैकडोनल्ड जाते हैं और हम लोग जो है मैकडोनल्ड की तरफ चल पड़े।
मैकडोनल्ड्स जाते जाते हम लोगों ने यही सोचा कि हम जो है ना फटाफट से ड्राइव थ्रू में जाएंगे, अपना खाना जो है ना वो जस्ट टेक अवे करेंगे और हम जो है वापस उधर सिनेमा की तरफ निकल जाएंगे। सिनेमा में जा के कुछ करके जो है ना हम वहाँ पर ही खा पी लेंगे। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी ड्राइव थ्रू में लगा ली थी और बस सोचते 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 कि क्या ऑर्डर देना है क्या नहीं देना है, और हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया। और आज मौसम बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ठंडा ठंडा था, और वैसे भी मैं काफ़ी देर के बाद निकली थी तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मौसम का, क्योंकि मैं मोस्टली घर होती हूँ तो घर में मौसम का पता नहीं लगता। खैर हम लोग जो है पहुँच गए थे सिनेमा और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है फटाफट से पार्क की, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट रह गए थे और हम लोगों ने अभी अपना कुछ फूड का भी करना था कि हम खा लें या कुछ इस तरह से कर लें। खैर फिर हम फटाफट से जो है जल्दी जल्दी चलते हुए अपने हॉल में पहुँचे, मेन हॉल में। ये रेस्टोरेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इनका डेकोर इतना प्यारा है कि उस सिनेमा के जो साइड पर है बहुत ही खूबसूरत। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं क्यू सिनेमा। आज हमारा जो है ना यहाँ का सबसे लास्ट 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 वाला शो है, ये वाली मूवी जो है ना हम देखने के लिए आए हैं। तो आपको बहुत जल्दी है, आप अकेले भी नहीं आए, मेरे साथ आए हो। सर आपको इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, पहले भी मेरे से इतनी तेज से चल के आगे चले गए और अभी भी इतनी दूर है पर मैं यहाँ पर। खैर अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और टिकट जो है वो हमने ऑनलाइन बाय कर ली हुई है, और बाकी मैं चल के आपको जो है ना अपडेट करती जो भी नेक्स्ट होता है। टिकट्स हमने ऑनलाइन ले ली हुई थी लेकिन एंड टाइम में हमारा प्लान बना कि हम अपनी टिकट्स को जो है ना अपग्रेड करवा लेते हैं और सीट्स जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, अच्छी वाली सीट्स ले लेते हैं। लेकिन शायद यहाँ पे खड़े होकर इसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, लेकिन उस बंदे ने जो है ना काफ़ी ट्राई की लेकिन हमारा काम जो है ना वो नहीं हो सका। काफ़ी कोशिश की हमने कि हमारी सीट्स अपग्रेड हो जाएँ लेकिन भाई उन्होंने बोला कि जी पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है जी। हमारी टिकट्स चलें, किधर जाना है? हॉल नंबर है, मूवी हम लोगों ने जो है ना अभी इंटरवल ही हुआ था तो हमें अब इमरजेंसी में निकलना पड़ गया, फटाफट जा रहे हैं क्योंकि अलारा ने ना खूब शोर डाला हुआ। तो मुझे अम्मा की कॉल्स आई जा रही थी कि ना अलारा ना चुप नहीं करी है, तो मैंने कहा अच्छा चलें फिर हमने मूवी बीच में छोड़ी है और अब हम निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इतनी सर्दी हो गई है, अभी 1:15 हो रहे हैं, 12-13 मिनट और फुल सर्दी वाला मौसम हुआ है। देखती हूँ, अच्छा वो शहजाद ने बीच में ना मुझसे चेंज का पूछ रहे थे तो अभी हम बस निकलने लगे हैं, पीछे गाड़ी हम निकालने लगे हैं। मैंने कहा इस तरह यहाँ लाइट अच्छी आ रही है तो इस लाइट में आके ना तो मैं अच्छा सा अपना व्लॉग जो है ना यहीं पे फ़िलहाल ख़त्म करते हैं, क्या पता आगे कुछ और दिखा दूँ आप लोगों को मैं। सो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताएं और आके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।